आप पुराना उठा करके देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो या बीजेपी का आज जमाना है, जब कांग्रेस दिल्ली में थी तो वो ईडी या सीबीआई लगाती थी अपने विपक्षी पार्टियों पे, और उसी रास्ते पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और वो तो महाराष्ट्र में तो स्वीकार कर लिया उन्होंने, ईडी सरकार है महाराष्ट्र में, तो स्वीकार कर लिया ईडी सरकार है। और एक केवल ईडी सरकार वहां नहीं है, आप मध्य प्रदेश याद कीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी, और जगह भी प्रदेशों में कैसे सरकार बनाई बीजेपी ने। अब क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग चुनाव हार गए, क्या बड़े पैमाने पर बेईमानी अधिकारियों ने की थी चुनाव में, क्या नहीं की थी? अगर आज हम कहें पॉलिटिकल एज ए पार्टी के हमारे वोट काटे गए, तो वो ये इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को छिन्नित कर करके काटा था, इन एजेंसियों का, इन संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।